बातें करते हैं। हेलो, आइए। मोस्ट मोस्ट वेलकम है आप लोगों का। मैं 2 दिन के बाद फिर से लाइव ऑन किया हूँ। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे फिर से सपोर्ट किया है, मतलब कि यूट्यूब पे मेरा फिर से अच्छा खासा फिर ग्रो हो रहा है। सो थैंक यू सो मच आप लोगों का। मुझे तो उम्मीद ही नहीं था कि और कभी मेरा ये वाला चैनल चलेगा अभी, बट अभी चल रहा है। हेलो, और बताओ गाइस, कैसे हो आप लोग? मैसेज कीजिए प्लीज आप लोग फटाफट। और कहाँ कहाँ से आप लोग मेरा लाइव वॉच कर रहे हैं प्लीज बता दीजिए। हेलो गाइस, वेलकम है। फिल्टर ये थोड़ा उतना तगड़ा नहीं लग रहा है मेरे को यार, ये वाला चेक करता हूँ, बट ये वाला भी उतना तगड़ा नहीं है। तगड़ा फिल्टर कोई दिखता ही नहीं मेरे को। बट ये वाला भी तो उतना तगड़ा, ये ही ठीक है यार, रियल है फेस ही ठीक है। फिल्टर से कोई मतलब नहीं है यार। हेलो, आप लोग मैसेज कीजिए। हेलो, एम के भैया कैसे हो? हेलो जी, नमस्कार, नमस्ते, राधे राधे। क्या बोलेंगे एम के भैया, मेरा आईडी तो डिमोनिटाइज हो गया था, सॉरी, चैनल तो मैंने पूरा डिमोटिवेट होके ही छोड़ दिया था। बट लेकिन एक बात पता है, मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे 1 मिलियन कंप्लीट हो गया। मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, बट यूट्यूब छोड़ दिया, बट लेकिन मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे दोनों पे काम करना शुरू कर दिया था। वहाँ पे 11 लाख 11 लाख दोनों जगह हो गया है। 11 लाख वहाँ पे भी है, 11 लाख यहाँ पे भी, दोनों जगह है। बट यूट्यूब पे अभी थोड़ा टाइम लगेगा, कब होगा पता नहीं। लाइक डन, थैंक यू सो मच भैया। प्लीज मैसेज किया आप लोग। हेलो नीतीश ब्रो, वेलकम है। लाइक डन कर दो ऊपर में प्लीज नीतीश भाई, लाइक डन करो, लेकिन लाइव को लाइक डन करो। मुझे वॉच टाइम पूरा करना है इसमें, फिर से दोबारा वॉच टाइम पूरा करना है, क्योंकि मेरा वॉच टाइम जो जितना भी था सब नीचे चले गया। अभी ओनली 100 100 वॉच टाइम पूरा हुआ है, 4,000 में 100 पूरा हुआ है। तो मतलब मेरे को अभी बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अगर 1 मिलियन 10 मिलियन व्यूज कंप्लीटेड हो जाते हैं तो फिर वॉच टाइम से मुझे लेना देना नहीं होगा। अरे एम के भैया, मैसेज क्यों डिलीट कर रहे हो? हेलो, प्लीज गाइस आप लोग मैसेज कीजिए। मुझे तो आज बोलने का मन नहीं कर रहा सच में यार, मेरा मूड ऑफ लग रहा है। आज शायद मैं फेसबुक पे लाइव नहीं आऊँगा, क्योंकि मेरा फिर भी यूट्यूब पे ऑन कर दिया हूँ मैं। लगता है मुझे एम के इंडियन भाई का ये आईडी फेक था, पता नहीं कोई इसके नाम से खोला होगा।